हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल के एक नए वीडियो पे। होप करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक वीडियो बना रहे हैं। मतलब काफ़ी दिन हो गए अपलोड नहीं किए हुए, थोड़ी मेरी प्रॉब्लम थी इसीलिए। तो गाइस, आज हम न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, क्या आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था? उस पर मेरा जैम्स करीब करीब 15,000 से ज़्यादा था। अब देखो भाई साहब, बहुत घट गया है, क्योंकि हमने न्यू अर्चर क्वीन की जो स्किन है वो खरीदी। भाई साहब, क्या ओपी लेवल की है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइस। और अगर पायरेट क्वीन मिल जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन वो गोल पास में मिलता है और हम गोल पास लेते नहीं है। तो अभी हमारे पास एक बुक ऑफ हमारे है, जिसके वजह से हम इसे 59 अपग्रेड कर पाएंगे। सो हम बाद में ये कर लेंगे। आज फिलहाल स्पेशल क्या है? तो भाई साहब, अगर आप लोग इवेंट वाले सेक्शन पे आओगे तो आप लोगों को देखेगा ये 3 3 इवेंट सुपर सेल हमें ऑफर कर रहा है। इतना मेहरबान क्यों बन रहा है भाई साहब सुपर सेल? यह वेलकेडी, आप लोग मुझे 4 वेलकेडी लेना है। 10 अटैक जब मैं कंप्लीट करूँगा तब मुझे 400 का एक्सपी और एक रिसोर्स परसेंट मिलेगा। उसी तरह अगर मैं हेड हंटर जो है उस ट्रुप को अगर यूज़ करूँगा जो टाउन हॉल 12 में अनलॉक होता है, तो मुझे 400 एक्सपी और एक हीरो पोर्शन मिलेगा, ठीक है, 10 बार। और 1 जेम डोनेशन, भाई साहब मतलब बहुत ही ओपी लेवल का है। 1 जेम से कोई भी ट्रूप डोनेशन कर सकते हो भाई साहब। ये डोनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कुछ दिनों पे मैंने अपने 13 के आईडी से 3,196 डोनेशन कर लिए और रिसीवर मेरे सबसे ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, तो बढ़ते हैं आज के वार की तरफ। तो भाई साहब, वार पे क्या हुआ पता है? होगा क्या आप लोगों को पता है मेरा वार बेस कैसा है? ये देखो भाई, ये देखो, ये है मेरा वार बेस लेआउट, ठीक है। अब बढ़ते हैं ओपोनेंट की, मतलब क्या ही बोलूँ, ये कैसे देख के चौंकना मत। ये देखो भाई साहब, फुल टू कॉपी है, मतलब जहर भाई साहब, जहर। और ये नंबर 2, ओके, दोनों काफ़ी हाई लेवल के, ज़्यादा नहीं है ये, बस सिंगल इन्फेनो थोड़ी दिक्कत दे सकती है। तो शुरू करते हैं भाई साहब। ये देख रहे हो, मैंने प्रैक्टिस की थी अपने बेस पे, बस इस पे एक 3 स्टार आया और इस पे, इन सब में इसीलिए नहीं आया क्योंकि नर्वस एक पहली बात हो गया, और दूसरी बात मतलब मैं आरसी विदाउट यूज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यह किंग क्वीन का लेवल बहुत ज़्यादा है और मेरे 13 के आईडी पे किंग क्वीन वर्डन सबकी मतलब लेवल बहुत ज़्यादा लो है, इसीलिए उस पर वैसे भी नहीं हो पाते। तो इस पर एक बेटर है, इसलिए मैं आरसी लास्ट टाइम मैंने यूज़ कर दी थी, क्योंकि हीरोज़ के मामले में आरसी लेना पड़ता है भाई साहब, इतनी ज़्यादा लेवल है कि नहीं, नहीं है। तो चलिए करते हैं आज का अटैक। लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, पहले एक ये ड्रॉप करेंगे बैलून, फिर एक पेका, फिर पीछे से एक विजर्ड आएगा और एक बॉलर आएगा। भाई साहब विजर्ड टावर को मार दे, विजर्ड टावर को मार दे, जहर, मजा आ गया, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ा आया। एक किधर, हाँ ओपी। अब ये सेक्शन बस थोड़ा डाउन हो जाए। किंग, पेका, बोलर्स, WW, वार्डन, हमें किंग की एबिलिटी देनी पड़ेगी ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ओके भाई साहब, क्या ही बोलूं, क्या ही बोले। नहीं, ये नहीं, यहाँ पे सारे के सारे बैड। यहाँ पे एक मेरा बेनिफिट है, मल्टी इन्फिनिटी नहीं है, इसीलिए थोड़ी आज़ादी मिलेगी हमें, शायद वो चीज़ हमें मिल जाए।
तो ज़्यादा ओपी रहेगी। नो ओह नो, ये क्या हो गया? क्या सच में अपने अपना अटैक लॉस कर दिया क्या? अरे कहाँ फंस गया, अब क्या करूँ? नहीं क्वीन, ऐसा ना करो, वाल तोड़ो, वाल तोड़ो। हाँ गुड गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, यस यस। ओह फाइनली हारे हुए मैच को भी हमने जीत में बदल तो दिया। मतलब मुझे सच में डर लग गया था क्योंकि मर गए थे यार, कहाँ दिक्कत हो गई थी, फ्रिज की टाइमिंग प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई नहीं, ये बस हमारा हो गया 3 स्टार, बस क्या अब ये सब क्लीन कर देंगे, हो जाएगा। ओ लाइव अटैक पे थोड़ी दिक्कत तो होती है भाई साहब, नर्वसनेस। बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये अटैक कैसा लगा। और हाँ, कल से हमारा CWL स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप लोग कोई बंदा हमारे चैनल के क्लैन पे प्लान पे तो आ जाओ यार। क्या कर रहे हो, किस बात का इंतजार? ओके नंबर वन पे अटैक करने के लिए हमारी आर्मी अभी ट्रेन नहीं है, तो जब आर्मी ट्रेन हो जाएगी तब हम अटैक कर देंगे। तो अभी हम हाइब्रिड की लगा देते हैं। ओके रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, तो यस अभी हम लोग देखते हैं टाउन हॉल 8 के अटैक्स कैसे होते हैं। तो ये रहा एक बेस, टाउन हॉल 8 के बंदे मतलब कैसे अटैक्स कर सकते हैं, मतलब क्या है, बहुत ही इजी बेस मिला है यार इस बार, नॉट मैक्स के। तो पहले हम अपना जो लाइटिंग स्पेल है वो ऐसी जगह पर गएंगे जहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो, या एयर स्वीपर इसने पता नहीं किस लिए यहाँ पर लगाया है, तो खैर कोई बात नहीं, हमारा तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे हम राइडिंग स्पेल गिराएंगे सारे के सारे, बस हमें विजर टावर एक मिल गया और एक एयर डिफेंस मिल गया। तो बस हमने कॉर्नर्स पे एक 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 ड्रैगन छोड़ दिया ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो हमें टाइमिंग की। तो अभी सारे के सारे बैलून्स विजर डाल दिए, सॉरी ड्रैगन डाल दिए, सीसी के बैलून्स भी हमने छोड़ दिए। यहाँ पे सोने के लिए हमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे हम फ्रीज कर देंगे। यहाँ पे रेज डाल दिया सीसी के, उसका सीसी से एक निकला है विजर्ड, ड्रैगन निकला है। बार बार विजर्ड क्यों बोल रहा हूँ आज मैं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। तो फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर एक फ्रीज ड्रॉप कर देंगे ताकि हमारे सीसी के हमारे जो बलून्स है वो जाके इस वाले एयर डिफेंस को टारगेट कर सके। और ओपोनेंट का जो ड्रैगन होता है बेसिकली आपको एक पॉइजन लेना होता है, और पॉइजन से मर जाता है यार, मैक्स ड्रैगन भी मर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा पॉइजन देख रहे हो, लेवल 1 का पॉइजन है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका मैक्स पॉइजन हो या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी 3 हो ही जाता है इससे बेसिस पे। और टाउन हॉल 8 का ऐसा कोई भी बेस ना हो जिसपे 3 स्टार ना हो सके, अगर आपने अपनी फुल आर्मी ली है तो। हाँ अगर फुल आर्मी नहीं ली है तो दिक्कत तो होगी ना, बट आप लोग ये स्ट्रेटेजी यूज़ करो यार, क्या ही कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा शो करता है भाई साहब। मैंने अभी तक जितने भी अटैक्स किए रिज़ल्ट बहुत ही ओपी निकला है, और ओपी का मतलब गाइस ओवर पावरफुल होता है, मतलब अगर किसी को पता नहीं तो उसके लिए मैंने बता दिया। तो ये तो हो गया, और हम और एक वार अटैक करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ओके डोनेशंस किसी को नहीं चाहिए, ओके कोई बात नहीं, तो वेट अ मिनट। तो गैस आगे हम 13 के बेस पे ना डोनेशन करने के लिए, तो ओके जैम से कर देते हैं भाई साहब। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ठोको यार, लाइक करो, और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना। और अगर कोई बंदा हमारे क्लैन पे आना चाहता है तो क्लैन टैग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बंदा हमारे क्लैन पे आ जाए। और इस बार पहली बार हम अपना CWL स्टार्ट करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा भाई, गाइस क्या ही बोलूँ अब इसके बारे में, रिजल्ट हो गया बहुत, चलो छोड़ो। और देखते
तो गाइस अभी हम वर्क करेंगे 37 जेम्स और 17 जेम्स। ओके 17 37 5 22 प्लस कर देना यार, कितना जेम्स होगा मुझे पता नहीं अभी, कितना जेम्स मैंने यूज़ कर लिया। तो ओके आर्मी ट्रेन है तो चलते हैं नंबर वन पे अटैक करने के लिए। पहले स्काउट कर लेते एक बार। ओके ये मैक्स मतलब अपग्रेडेड है पिछले बेस से ज़्यादा, तो इस बार गलती नहीं बेटा। ओके सेम बेस है, थ्री स्टार करना तो पड़ेगा बेटा। एक विजर्ड, एक पोलर, एक बलून, एडियाज है। हो गई भाई साहब, अब तो मेरा अटैक का चूना लगने वाला है। लग गई ना आज। ओह ओह भाई साहब क्या बात है, सारे के सारे पेका कोर पे चले गए। ऑसम 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 क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि कोर पे सारे के सारे तो जाएंगे। ऐसा होने के बाद मतलब यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए। ओके ओके कम ऑन। ओके ओके डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। इस बार फ्रीज की टाइमिंग हम गलती नहीं करेंगे, फ्रीज के टाइमिंग पे गलती नहीं, फ्रीज के टाइमिंग पे नहीं गलती, एक भी गलती नहीं हुई। दूसरा नहीं 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 तीसरा 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 यस हो गया। ओपे अरे यार ये बलून क्यों यूज नहीं किया मैंने। छे ओपी ओपी डैमेज भाई साहब, ओपी डैमेज क्या ही बोलूं अब। ओ फाइनली हमने दोनों बेसिस पे थ्री स्टार कर दिया है, तो लाइक ठोको यार इस बात पे, तो लाइक बनती है। और अपनी एटम को इनकी स्किन देख रहे हो कितनी ओपी लेवल की है। ओके जल्दी जल्दी गाइस ऐसे बिजनेस पे मतलब इजीली हो जाता है थ्री स्टार, अगर किस्मत साथ दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको प्लानिंग अच्छे से करनी है भाई साहब, प्लानिंग। लास्ट अटैक पे देखा था ना मेरा एक फ्रीज पूरी गलती से क्या मैंने छोड़ दिया यार, अटैक फेल ही होने वाला था। बट कोई बात नहीं, हमने उसमें भी कर दिया क्योंकि हमारी क्वीन अपग्रेडेड थी और क्वीन अंदर चली गई, यही बड़ी बात थी। ओके चलो ये सही हुआ, वाओ थ्री स्टार। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों ने हमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जल्दी से जल्दी लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाओ यार। और बहुत ही जल्दी हमारी क्वीन होने वाली है 60 की, अभी हम अपग्रेड कर देंगे इसे बुक ऑफ हमर से नेक्स्ट वीडियो पे या नेक्स्ट पे कर देंगे जब हमारे पास यहाँ पे एक बुक ऑफ हीरो मिलेगा 500 जेम्स से, तो हम उसे परचेज करेंगे और हमारा उस डार्क एलिक्सर भी कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब फुल हो जाएगा, तब हम लोग अपग्रेड कर देंगे इसे 60 तक एक साथ ही कर देंगे। ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।